आनंद को, इस स्वस्थ को, इस निरामयता को प्राप्त करने के लिए हम आपको दे रहे हैं संदेश। तो हम बात कर रहे थे आज इस कीकर के फली के संदर्भ में, क्योंकि जो प्रमेह प्रदर रोग है यह छोटी चीज़ नहीं है, यह बहुत बड़ी बीमारी है। आज देश के लाखों लोग, लाखों मेरी बहनें, हमारी युवतियां और हमारे लाखों युवक इस रोग से पीड़ित हैं, क्योंकि एक चिकित्सक होने के नाते, चिकित्सा कार्य के द्वारा आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हर कोई आज कमजोरी का शिकार है। कोई मन से कमज़ोर है, कोई तन से कमज़ोर है, कोई किसी तरह से आदतन कमज़ोर है। तो उन सब कमजोरियों का एकमात्र समाधान, एकमात्र इसका निश्चित रूप से चिकित्सा जो है, यह इस बबूल के द्वारा, इस कीकर के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, और कुछ नहीं करना, जैसा कि मैंने कहा, जिनको लिकोरिया की शिकायत है, जिनको प्रमेह या प्रदर की शिकायत है, उन लोगों के लिए आप ये कीकर की फली का पाउडर करके प्रातः सायं सेवन करें, कीकर की फलियों को या कीकर के पत्तियों को, यदि दोनों ही उपलब्ध हों, कीकर की पत्तियां और फलियां दोनों को बराबर मात्रा में पाउडर करके भी आप कर सकते हैं सेवन, लिकोरिया के लिए और प्रदर रोगों के लिए और प्रमेह और धातु रोग के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके अतिरिक्त आँख के रोगों में भी कीकर का जो प्रयोग है वो आँख के रोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो आँख के रोगों में हमें क्या करना है कि इस कीकर की पत्तियों को तोड़ करके, इसको पीस करके लुगदी बना करके उसको आप रुई के ऊपर रखें, रुई के ऊपर रख करके आँख में बांधें पट्टी, वो बांध करके रखने से आपके आँख के रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। जिसको आँखों में फूला है, इन्फेक्शन है, लाली है, आँखों में जाला है, उस सब की स्थितियों में इससे बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है यह आपका कीकर।